का हॉटस्पॉट बने इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला और देश का 29वां ऐसा जिला है जहां 1 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच गई है। जिले में अब तक 1,751 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। 11 लाख लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है। हर 35 में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। हालांकि 87,000 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 12,918 संक्रमित हुए हैं। 104 मरीजों ने दम तोड़ा है। संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। बैतूल और अशोकनगर में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। दमोह में 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। बता दें, सीएम ने 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू की अपील की है। वहीं जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा इंदौर में 1,813, भोपाल में 1,802, जबलपुर में 833 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ग्वालियर में 1,152 कोरोना के नए पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा भोपाल और जबलपुर में 10-10 लोगों की मौत हुई। इंदौर में 7, ग्वालियर में 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 89,363 हो गई है। वहीं राहत की बात है कि एक दिन में 11,091 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इंदौर में 1,610, भोपाल में 1,006, वहीं जबलपुर में 751 और ग्वालियर में 917 मरीज स्वस्थ हुए हैं।